हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आपकी मदद करने के लिए मैं एक चैप्टर लेके आया हूं, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इस चैप्टर को करने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, और होनी भी चाहिए यार। जब टेक्निक नहीं होगी तो दिक्कतें तो आएंगी। चलिए कुछ टेक्निक्स पर बात करते हैं। चैप्टर का नाम है एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन। बेटा, जो हमारी एरर्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक टू साइडेड एरर और एक होती है वन साइडेड एरर। टू साइडेड एरर्स जो हैं वो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करते। कौन कौन सी ये एरर्स हैं? एरर ऑफ ओमिशन, मतलब हम एंट्री करना भूल गए। दूसरी है एरर ऑफ प्रिंसिपल, हमने अकाउंट्स के प्रिंसिपल गलत इस्तेमाल किए, यानी पर्सनल की जगह रियल लगा दिया, रियल की जगह नॉमिनल लगा दिया, इससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं आता। तीसरा जो हमारा रूल है, एरर ऑफ कमीशन, इसमें नाम का हेरफेर हुआ, राम की जगह श्याम आ गया, मोहन की जगह सोहन हो गया। इसी प्रकार जो हमारी वन साइडेड एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालते हैं। कौन सी एरर सही है? एरर ऑफ टोटल, एक साइड का टोटल सही लगा, दूसरी साइड का टोटल गलत लगा, तो इसका मतलब एरर ऑफ क्या है? टोटल। एक होता है एरर ऑफ पोस्टिंग, मतलब डेबिट साइड की चीज क्रेडिट साइड दिखा दी, क्रेडिट साइड की चीज डेबिट साइड, ये भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालते हैं। इस चैप्टर के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। ये जो गोल्डन रूल हैं ये तीन हैं। पहला, सही को सही करना है। अब ये सही को सही करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो चीज डेबिट है उसे आपको केवल डेबिट ही करना है, और जो चीज पहले क्रेडिट थी उसे क्रेडिट करना। आप देख रहे होंगे, सही को सही कर रहे हैं, डेबिट को डेबिट करिएगा, क्रेडिट को क्रेडिट करिएगा। अब इसी रूल को सही करना है, एक एग्जांपल के जरिए आपके सामने पेश कर रहा हूं। एग्जांपल है, बिल्डिंग परचेज फॉर ₹3,000 डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। सबसे पहले सही को सही करना है, पहले हमें यह तो पता होना चाहिए सही करना क्या है। तो हम स्टेटमेंट के दो हिस्से बनाते हैं। पहला हिस्सा बिल्डिंग परचेज, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है डेबिटेड टू वेजेस, तो इसके दो हिस्से बना दिए। जो पहली हिस्सा है वो सही है, हमेशा हर स्टेटमेंट का पहला पार्ट हमेशा सही ही होता है, तो उसको अलग कर दिया हमने और गलत को अलग कर दिया। मैं अपना रूल समझाने के लिए गलत पार्ट को इसमें से हटा रहा हूं, गलत पार्ट हट गया। अब स्क्रीन पे आपके सामने क्या है? बिल्डिंग परचेज्ड। अब सिर्फ वर्ड बिल्डिंग पे फोकस करिए, ये मत सोचिए कैसे खरीदा है, कैश में खरीदा या उधार में खरीदा, ये मत सोचिएगा, इससे आप चैप्टर की टेक्निक में गड़बड़ कर देंगे। मेरी जो टेक्निक है सही को सही करना है, उस वर्ड को पहचानना है जो बिल्कुल सही था। सही वर्ड क्या था? बिल्डिंग। अब जनरल एंट्री के रूल के मुताबिक आप इसे क्या करते हैं बिल्डिंग जब खरीदते हैं? सोचो, डेबिट ना, तो करो, बिल्डिंग को डेबिट करिए। ये था मेरा रूल का मकसद, सही को सही करना है। अब मैंने आपको समझा दिया डेबिट को डेबिट करना है, इसी तरह से आपने क्रेडिट को क्रेडिट करना है। कैसे? चलिए एक स्टेटमेंट आपके सामने, फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹10,000 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। पहले आप इसके दो हिस्से करिए। पहला हिस्सा मान के चलिए कि वो सही है, फर्नीचर सोल्ड, और दूसरा हिस्सा अलग कर लीजिए क्रेडिटेड टू सेल्स, हमने इसको अलग अलग कर दिया। अब सही क्या है इसमें? फर्नीचर सोल्ड, तो गलत हिस्सा आप हटा दीजिए, तो हमने सेल्स को हटा दिया। अब रूल क्या है? सही को सही करना है, मतलब क्रेडिट को क्रेडिट करना है। अब स्क्रीन पे क्या रह गया? फर्नीचर सोल्ड, तो आप इसे क्या करते हो एंट्री में? क्रेडिट वर्ड गोज आउट, फर्नीचर सोल्ड, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो इसे क्रेडिट करना है। फर्नीचर सोल्ड है, इसे आपने क्या करना था जनरल एंट्री के मुताबिक? क्रेडिट, तो अब भी आप उसे क्या करिए? क्रेडिट। बहुत आसान टेक्निक है, बहुत ही आसान। तभी रूल था डेबिट को डेबिट करना है, क्रेडिट को क्रेडिट करना है। दूसरा गोल्डन रूल, गलत को ठीक करना है। गलत को ठीक करने का मतलब क्या हुआ? अब मान लीजिए जो गलत है वो डेबिट था, तो उसे ठीक कैसे करोगे? क्रेडिट करके। अगर गलत चीज हमने क्रेडिट की है तो उसे ठीक कैसे करोगे? डेबिट करके। तो कौन सा दूसरा रूल हुआ? गलत को ठीक करना है। आपने ये देखना है गलत क्या है,
अगर डेबिट गलत हुआ है तो क्रेडिट करके ठीक होगा, और अगर क्रेडिट गलत हुआ है तो डेबिट करके ठीक होगा। चलिए पहली एग्जांपल फिर से दोहराते हैं। बिल्डिंग परचेज 4,3,000, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। चलिए अब जो दूसरा रूल है उसे एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। एग्जांपल सेम लेंगे, बिल्डिंग परचेज 4,3,000, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इस रूल के मुताबिक गलत को सही करना है। तो हमने स्टेटमेंट के दो हिस्से किए, एक हमने स्टेटमेंट जो सही थी वो अलग कर ली, और जो दूसरी स्टेटमेंट गलत थी वो हमने अलग कर ली। अब क्योंकि हमारा रूल है गलत को सही करना है, तो आधी स्टेटमेंट हमने गायब कर दी ताकि अब इसे समझ पाए। अब क्या रह गया सामने, डेबिटेड टू वेजेस, ये गलत है। रूल क्या था, क्या था रूल, कि डेबिट को क्रेडिट करना है, क्रेडिट को डेबिट। अब वेजेस इसमें इन्होंने क्या कर किया हुआ है, डेबिट। तो ठीक, कैसे करोगे आप इसे, क्रेडिट करके। तो ये मेरा रूल का मतलब था, गलत को सही करना है, यानी डेबिट अगर हो गलत तो क्रेडिट कर लीजिए, एंड क्रेडिट गलत हो तो डेबिट कर लीजिए। तो दो रूल हमने सीख लिए, पहला, दूसरा। अब आते हैं तीसरे रूल पर। तीसरा रूल ये है कि हमने क्या करना है, जो बिल्कुल सही है उसे नमस्ते कर देनी है। नहीं समझे, नमस्ते का मतलब जाओ बाबा जी आपकी हमें जरूरत नहीं है। तो तीन रूल हमने डिसाइड किए। पहला, सही को सही करना है, मतलब अगर चीज डेबिट करनी थी तो डेबिट ही करेंगे, क्रेडिट करनी थी क्रेडिट ही करेंगे। गलत को ठीक करना है, मतलब अगर कोई चीज गलती से डेबिट हो गई हमसे तो क्रेडिट करके ठीक कर लीजिएगा, अगर कोई चीज गलती से क्रेडिट हो गई है तो डेबिट करके ठीक कर लीजिएगा। और आखिरी, जो बिल्कुल सही है नमस्ते छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं करिएगा, जाने दीजिएगा उसको। चलिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी आपके सामने आएगा। चलिए पहली स्टेटमेंट पे हम आते हैं, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। पहली स्टेटमेंट, फर्नीचर परचेज रूपीज 4,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। जो फर्स्ट पार्ट है वो सही के लिए था, सेकंड पार्ट जो है वो गलत के लिए है। इसके दो हिस्से बना दिए आपने, देखा होगा हमने एक लाइन ड्रॉ बीच में कर दी है, हमने सही हिस्सा एक तरफ कर लिया, गलत हिस्सा एक तरफ कर लिया, ताकि आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह से एनालिटिकल वे में अंडरस्टैंड कर पाए। पहला वर्ड क्या देख रहे हैं आप, फर्नीचर परचेज्ड। यही हम सब गलती कर जाते हैं बेसिकली। अगर आप इसे यू पढ़ें, जब आप फर्नीचर खरीदते हैं तो आप इसे क्या करते हैं, डेबिट। स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, फर्नीचर परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक, तो मेरा पहला रूल क्या था, सही को सही करना है, करिए। क्या रूल सीखा था, डेबिट को डेबिट करना है। देखिए हमने फर्नीचर को क्या कर दिया, डेबिट। अब जो सेकंड पार्ट है वो गलत है, गलत को क्या करना है, ठीक करना है। गलत क्या हुआ, परचेज। परचेज क्या होता है, डेबिट, लेकिन ये गलत है। गलत कैसे ठीक होगा, रिवर्स होके। डेबिट का रिवर्स क्या होगा, क्रेडिट, इसलिए हमने परचेज को क्या किया, क्रेडिट। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, फिर से समझ लीजिए। फर्नीचर परचेज्ड को आप पहले कन्वर्ट करें कि ये चीज हमारी ठीक है, ये सही हिस्सा है। फर्नीचर परचेज का मतलब डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आपने खरीदा, तो डेबिट को अब जो सही है उसे सही करना है, मतलब डेबिट को डेबिट करना है, तो हमने किया। सेकंड वर्ड क्या है, परचेज, वो गलत है। परचेज यानी डेबिट, ठीक कैसे करोगे, क्रेडिट करके। देखो सीधी एंट्री बनी। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज 3,000 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। इसमें भी हम इसके दो हिस्से बना लिए हमने, जो हमारा पहला पार्ट है वो सही है, दूसरा पार्ट हमारा गलत है। पहले पार्ट में क्या देख रहे हैं आप, मशीनरी सोल्ड। जब मशीन बेचते हैं तो आप एंट्री में क्या करते हो, उसे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सही वर्ड क्या है, क्रेडिट। तो अब इसे क्रेडिट करिए, देखो हमने किया। दूसरा क्या वर्ड है, सेल, लेकिन वो रॉन्ग हिस्सा है। सेल क्या, सेल तो क्रेडिट होती है लेकिन वो रॉन्ग है,
रॉन्गली क्रेडिट है, ठीक कैसे करोगे, डेबिट करके। क्लियर, समझ आ गई बात। चलिए अब तीसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 540 वाज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट रुपीज 450। फिर से स्टेटमेंट सुन ले, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 540 वाज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट रुपीज 450। इसके भी हमने दो हिस्से बना लिए, सही हिस्सा अलग कर लिया, गलत अलग कर लिया। अब हमने क्या किया, फर्नीचर सोल्ड। अब जो फर्नीचर सोल्ड है तो एंट्री के हिसाब से क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। देखो हमने क्रेडिट किया रुपीज 540। गलत हिस्सा क्या है, सेल्स। अब जो सेल है, इनो सेल क्या होती है, क्रेडिट। ठीक कैसे करोगे मेरे बच्चे, डेबिट करके। तो हमने सेल को डेबिट किया रुपीज 450। अब आप देख रहे होंगे ये एंट्री आपस में डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहां पे गैप है और उस गैप का नाम है सस्पेंस अकाउंट। ये वन साइडेड एरर है। क्या नाम है इसका, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड विद 90 रुपीज। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले फर्नीचर सोल्ड है। फर्नीचर सोल्ड में पहले आपने ये सोचना है कि हमने इसे एंट्री में क्या करना था, क्रेडिट। तो आप क्रेडिट ही करिए क्योंकि ये सही हिस्सा है, सेल रॉन्ग है। रॉन्ग का रूल क्या था, देखिए स्क्रीन पे फिर आ रहा है, उसके मुताबिक अब सेल को आप क्या करेंगे, डेबिट 450। अब जो गैप है वो क्या हुआ बेटा, सस्पेंस का, ठीक है। रिपेयर फॉर मशीनरी रुपीज 574। अच्छा अब जो रिपेयर है इसे आप जनरल एंट्री में क्या करते हैं, डेबिट। अब ये सही हिस्सा है तो रूल क्या था, डेबिट को डेबिट करना है। किया रिपेयर को डेबिट हमने, किस अमाउंट से डेबिट किया, 574। अब दूसरा पार्ट गलत है, वो तो मशीन है। अब मशीन अगर गलत है तो मशीन क्या चीज थी, डेबिट। लेकिन ये गलत है डेबिट, ठीक कैसे करोगे, क्रेडिट करके। तो हमने मशीन को क्या किया, क्रेडिट 174। फिर से गैप आ गया, आप तो जानती हैं गैप का मतलब क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट। तो इसलिए हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया 400 से। बेटा अब अगली स्टेटमेंट आपके सामने स्क्रीन पे है, द सेल ऑफ रुपीज 432 सोनम क्रेडिटेड टू हर अकाउंट रुपीज 340। आपने देख लिया होगा, इस पूरी स्टेटमेंट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप गौर से देखें, इन्होंने सोनम की गलती की बात की है, गुड सोल्ड टू सोनम क्रेडिटेड टू हर अकाउंट, तो गड़बड़ सोनम के अकाउंट में, इसलिए हमने करेक्शन भी सोनम की ही कर ली है। गुड सोल्ड टू सोनम में यह राइट पार्ट है, इस राइट पार्ट में सोनम को क्या करना चाहिए था, हमें डेबिट। देखिए हमने किया, फिर से समझ लीजिए, गुड सोल्ड टू सोनम में सोनम रिसीवर है, उसे हमें डेबिट करना था, हमने किया। गलत क्या है, सोनम, लेकिन गलती किस साइड है, क्रेडिट साइड, और रूल के हिसाब से क्या करेंगे आप, डेबिट। तो हमने किया, तो अब सोनम को दो बार तो डेबिट कर नहीं सकते, लेकिन हम अमाउंट को तो प्लस कर सकते हैं, इसलिए हमने अमाउंट को आपस में प्लस कर दिया। देखिए आपके सामने प्लस हो रहे हैं, एंट्री तो हमने बना ली, सेकंड पार्ट है नहीं ठीक करने के लिए, तो इसका मतलब ये वन साइडेड एरर है। तो वन साइडेड एरर होने के कारण डिफरेंस किस में ट्रांसफर होगा, सस्पेंस अकाउंट में रुपीज 770। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, परचेज ऑफ रुपीज 400 फ्रॉम कमल एंटर्ड इन सेल बुक। बेटा ये जो वर्ड बुक है ना, इसका ख्याल रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम पहली एंट्री कंप्लीट बनाते, ये कंप्लीट बनेगी अगर बुक है तो। फर्स्ट पार्ट जो हमारा राइटर, देखिए हमने अलग किया हुआ है, तो इसे आप क्या करेंगे, आप पूरी कंप्लीट एंट्री बनाएंगे। तो हमने एंट्री बनाई परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कमल, अमाउंट मत लिखिएगा नाम के आगे। तो एंट्री हमारी कंप्लीट बनी परचेज टू कमल। गलत हमने क्या किया, सेल। सेल गलत का मतलब स्क्रीन पे देखिए, क्रेडिट। तो सेल ठीक कैसे करोगे आप, डेबिट करके। तो हमने सेल को डेबिट किया। अब 400 से परचेज डेबिट हुआ, 400 से सेल डेबिट हुआ, डिफरेंस हमने किस में ट्रांसफर किया, कमल को। तो कमल का वैल्यूएशन कितना हुआ, 800। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आते हैं, परचेज ऑफ रुपीज 600 फ्रॉम कमल एंटर्ड इन सेल बुक बट कमल अकाउंट वॉज करेक्टली
क्रेडिटेड। ये जो वर्ड है करेक्टली क्रेडिटेड कमल का, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। अब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे आप? एक तो वर्ड बुक है, कंप्लीट एंट्री बनाइए। कंप्लीट एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कमल। बट कमल तो करेक्ट है, मैंने तीसरा रूल भी बताया था, जो बिल्कुल सही है दूर से नमस्ते। तो कमल जी को नमस्ते करिए, देखिए कमल जी गए, क्लियर हो गया। तो एंट्री क्या रहेगी हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट। गलत क्या था? सेल। सेल क्योंकि क्रेडिट होती है बट वो गलत साइड है, तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो सेल अकाउंट डेबिट हो। अब फिर से गैप क्रिएट हो गया, और गैप का तो मतलब आप जानती हैं, सस्पेंस अकाउंट, आपका अपना सस्पेंस है जी। हो गया, समझ आ गया? अरे चलिए आखिरी स्टेटमेंट, सेल रिटर्न बुक 210 वॉज नॉट इंक्लूड इन अकाउंट। मतलब सेल रिटर्न के अकाउंट में हमने 210 का पोस्टिंग किया नहीं। सेल रिटर्न का बचे बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ठीक क्या करना है? डेबिट को ही तो डेबिट कर दीजिए। किसकी हेल्प लेंगे? सस्पेंस की, आपका अपना सस्पेंस, टू सस्पेंस 210। तो एक बार फिर से गोल्डन प्रिंसिपल देख लीजिए, सही को सही कर रहे हैं, मतलब डेबिट चीज को डेबिट ही करिएगा, क्रेडिट को क्रेडिट ही करिएगा। सेकंड गोल्डन रूल था, गलत को ठीक कर, यानी जो गलती हमने कर दी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करके, तो कैसे ठीक करेंगे? डेबिट करके। और डेबिट वाली चीज को ठीक कैसे करेंगे? क्रेडिट करके। और आखिरी गोल्डन रूल क्या था? जो बिल्कुल सही है दूर से नमस्ते। ठीक है, तो मेरे इस क्वेश्चन के जरिए सारी चीजें आपके सामने, उम्मीद रखता हूं कि मेरा यह छोटा सा प्रयास आपके किसी काम आ सके, और मैं अगली बार आपकी मदद जरूर करूंगा। आपका जो भी व्यूज हो प्लीज हमसे शेयर करिएगा, ताकि अगली बार मैं आपके लिए और अच्छा काम कर सकूं। ये मेरा प्रयास है कि आप सभी बच्चों की मैं मदद कर पाऊं, इस जरिए से मुझे लगा कि मैं आपके पास पहुंच सकता हूं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।